हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दी ऑनलाइन क्लास ऑफ इंग्लिश रन बाय रास्तान अकेडमी चूरू। स्टूडेंट्स, हम अपना टॉपिक चल रहा था टेंस का। टेंस के अंदर हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा था। प्रेजेंट सिंपल के जो सेंटेंस थे उन सेंटेंसेस के बारे में हमने पढ़ा, और इस टेंस में दो बातें हमने पढ़ी कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में एस या यस, और जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं उनमें हम डू और डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ये दो मुख्य बातें हमने इस टेंस में पढ़ी। अब देखिए, यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल, यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल, इस प्रेजेंट सिंपल का हम यूज़ कब करें। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिख दिया जाए कि ही ड्राइव ए बस। अब देखिए, इसमें ये कहा जाए, हम टेंस पढ़ रहे थे तो हमें पता था कि हमें इसमें प्रेजेंट सिंपल करना, तो हम उसमें प्रेजेंट सिंपल कर रहे थे। अब ये कहा जाए कि इसमें फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ब। वर्ब की करेक्ट फॉर्म इसके अंदर फिल करनी हो तो हम क्या करें, इसमें ड्राइव्स। हमें क्या पता चला कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल का ही है। इसमें ड्रॉ भी हो सकता है, पास्ट के अनुसार सही हो जाएगा, और इज ड्राइविंग प्रेजेंट कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। तो इस सेंटेंस को देख करके हमें ये पता नहीं चला कि इसके अंदर टेंस कौन सा होगा। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए, हमें पता चल जाए कि इसमें प्रेजेंट सिंपल होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें ड्राइव होंगे। जब सेंटेंस पढ़ रहे थे, टेंस पढ़ रहे थे, तो हमें पता था कि इसमें हमें प्रेजेंट सिंपल पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट सिंपल करना है। लेकिन जब एग्ज़ाम के अंदर आता है तो ऐसा नहीं होता। तो देखिए क्या करना होता है उसके लिए हमें, कि प्रेजेंट सिंपल का यूज हमें कब करना चाहिए। सबसे पहले कुछ एडवर्ब्स होती हैं, एडवर्ब्स के अंदर जैसे आ गई अपनी डेली, ऑलवेज, सेल्डम, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, यूजुअली, जनरली, ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, ऐसी जो ETC, ये जो एडवर्ब्स हैं, यदि ये आती हैं तो उसके अंदर हमें टेंस करना होता है प्रेजेंट सिंपल। डेली, ऑलवेज, सेल्डम, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, यूजुअली, जनरली, ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, यदि इनमें से कोई भी एडवर्ब सेंटेंस में दी हुई होती है तो वो जो सेंटेंस होता है वो कौन से टेंस का होता है, प्रेजेंट सिंपल का होता है। फॉर एग्जाम्पल, सी फिर ब्लैंक रेयरली, फिर सॉरी सी रेयरली ब्लैंक वॉच TV। अब इसमें देखिए, ये कहा जाए कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब करें, तो अब हम कौन सा टेंस करें, इसमें प्रेजेंट सिंपल करें, प्रेजेंट कंटिन्यूस करें, पास्ट सिंपल करें, पास्ट कंटिन्यूस करें, फ्यूचर करें। तो इसके अंदर एक एडवर्ब आई है, वो एडवर्ब आई है रेयरली। तो रेयरली जो एडवर्ब है वो किस में आती है, अपनी प्रेजेंट सिंपल में आती है। तो अब इसके अंदर जो टेंस होगा वो कौन सा होगा, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल हमें आता है,
हमने पढ़ा है। प्रेजेंट सिंपल का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नॉट नहीं है, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो ये डेफिनेटली सेंटेंस कैसा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना होता है, या तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ में एस या ईएस, सी क्या है थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, तो हमें एस या ईएस का यूज इसमें करना है। तो ये हो जाएगा वॉचेज, She rarely watches TV. Next example देखें, जैसे He go to school daily. अब देखिए इसमें डेली एडवर्ब नहीं होती तो ही वेंट टू स्कूल हो जाता, ही इज गोइंग टू स्कूल हो जाता, लेकिन डेली जब एडवर्ब आई है तो डेली एडवर्ब कौन से टेंस में आती है, अपनी प्रेजेंट सिंपल में आती है। प्रेजेंट सिंपल इसके अंदर हमें डेफिनेटली प्रेजेंट सिंपल करना पड़ेगा। प्रेजेंट सिंपल ही थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, तो हमें क्या करना है, एस या ईएस लगाना। हो गया अपना गोज। थर्ड देखिए, यू ब्लैंक कम हेयर फ्रीक्वेंटली, यू फिर ब्लैंक कम हेयर फ्रीक्वेंटली, एडवर्ब आ गई इसमें क्या आ गई, फ्रीक्वेंटली, तो फ्रीक्वेंटली एडवर्ब आएगी तो हमें टेंस करना वो कौन सा करना, प्रेजेंट सिंपल करना है। प्रेजेंट सिंपल यू क्या है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन के साथ में केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो कम का कम। तो ये एडवर्ब्स हैं, ये हमें ध्यान में रखनी है, यदि ये एडवर्ब आए तो अपना टेंस हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल। नेक्स्ट देखिए, देखिए जनरल ट्रूथ हो, साइंटिफिक ट्रूथ हो या यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सार्वभौमिक सत्य हो या वैज्ञानिक कोई तथ्य हो, या साधारणतः जो बातें सत्य होती हैं वो कौन से टेंस में आती हैं, अपनी प्रेजेंट सिंपल में आती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखें, नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल अपना, ये तीन एग्जांपल देखिए, द अर्थ फिर ब्लैंक मूव राउंड द सन, अर्थ मूव का मतलब घूमना, राउंड का मतलब चारों तरफ या अराउंड द सन। ये सेंटेंस हुआ अपना कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो ये बात क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है, तो जो बात सत्य है वो उसमें टेंस कौन सा आता है, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो द अर्थ क्या है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस, तो हो जाएगा मूव्स।
द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। सेकंड देखिए, वाटर पानी बॉयल उबलता है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलता है। तो ये साइंटिफिक ट्रूथ है या साइंटिफिक फैक्ट है, वैज्ञानिक तथ्य है। ये जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस बात को सिद्ध किया है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह बॉयल होना शुरू होता है। तो ये इसमें भी वाटर क्या है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर नंबर ही होती है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस, तो ये हो गया बॉयल्स, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्ड अपना एग्जांपल देखिए, बर्ड्स और फ्लाई, उड़ना इन द स्काई, पक्षी है वो आसमान में उड़ते हैं, ये क्या जनरल ट्रूथ है? साधारणतः ये बात सत्य है कि पक्षी कहाँ उड़ते हैं, आसमान में उड़ते हैं, तो जनरल ट्रूथ है। इसमें बर्ड्स क्या थर्ड पर्सन है, लेकिन नंबर क्या इनका प्लूरल है, तो ये प्लूरल नंबर है, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगाना, हमें मैन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगानी है। बर्ड्स से फ्लाई इन द स्काई, तो इस प्रकार से जनरल ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ और यूनिवर्सल ट्रूथ हैं वो किसके अंदर आते हैं, अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, यदि ईच या एवरी के साथ में टाइम दिया हुआ हो तो उसके अंदर हैबिचुअल एक्शन बन जाती हैं वो, ईच या एवरी के साथ में तो हैबिचुअल एक्शन होती हैं, वो किस में आती हैं, प्रेजेंट सिंपल में आती हैं, ईच या एवरी प्लस टाइम। एवरी प्लस टाइम, टाइम मिल सकता आपको डे वीक मंथ ईयर मॉर्निंग इवनिंग इटीसी, इस प्रकार का टाइम यदि हमें मिलता है ईच और एवरी के साथ में तो उसके अंदर भी अपना टेंस आता है, वो आता है प्रेजेंट सिंपल। एग्जांपल देखिए, देखिए ही फिर ब्लैंक है गो टू होम एवरी डे, अब इसके अंदर एवरी प्लस क्या आ गया, टाइम आ गया, एवरी डे में क्या आ गया, एवरी प्लस टाइम, तो एवरी प्लस टाइम है तो टेंस आएगा अपना प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो मैन वर्ब के साथ में एस या ईएस, तो क्या बनेगा अपना, ही गोज टू होम एवरी डे। सेकेंड अपना एग्जाम्पल है, राम फिर ब्लैंक राइट ए न्यू स्टोरी ईच ईयर, ईच ईयर ईच प्लस टाइम, तो अपना टेंस हो गया इसमें भी प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस, तो आ जाएगा अपना राइट्स ए न्यू स्टोरी ईच ईयर। थैंक्स स्टूडेंट्स, इसके अदर यूजेज भी हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।